आज हम लोग पर्यावरण के प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके पहले हम लोगों ने 2005 की अवधारणा को, उसके थीम को, उसकी विषय वस्तु को पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रमुख शिक्षण सिद्धांत। ठीक, क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत, पर्यावरण शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। इसको आप नोट्स में बनाते चलिएगा, साथ में लिखते भी चलिएगा। पर्यावरण शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत, अगर सिद्धांत की बात करें, इसे बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है जिनको हम लोग को पढ़ना है, तो कुछ प्रमुख सिद्धांतों को ही पढ़ेंगे। खासकर ये सीटेट के सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन यूपीटेट के सिलेबस में भी इसको सम्मिलित कर लिया गया है और सुपर टीटी में पहले से ही है, डीएसएसबी केवीएस, तो सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं, पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहला टॉपिक क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहला टॉपिक क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत अगर हम पढ़ना चाहें, तो जो इस सिद्धांत का, क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, करके सीखना। क्या करना है? करके सीखना। आप ये भी जानते हैं, जब बालक करके सीखता है तो उसका जो ज्ञान होता है वो अस्थायी हो जाता है। क्या होता है? ये करके जो सीखा गया ज्ञान होता है वो अस्थायी हो जाता है। इस सिद्धांत में बालकों के वास्तविक अवलोकन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब वो कोई चीजें करके सीखते हैं तो उनका क्या होता है, जो ज्ञान होता है वास्तविक, वो क्या होता है, उनको बढ़ावा मिलता है। जो ये सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें बालकों में आलोचनात्मक जो चिंतन है उसकी समस्याओं समाधान के लिए क्षमता का भी विकास होता है। बालक जितना ज्यादा क्रियाकलापों में लिप्त होगा उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। मानी बालक जितना ज्यादा क्रियाकलाप में लिप्त होता जाएगा उसका ज्ञान क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। फिर शिक्षार्थियों को कई तरह की गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जो शिक्षार्थी हैं उन्हें कई प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वो खुद से करके सीखें। जैसे किसी पौधों के विषय में जानकारी देना या उसके भागों के बारे में बताना, तब उससे कहा जा सकता है कि वो ज्यादा ज्यादा पौधे लगाए, उसका अवलोकन करे। ये अवलोकन करना यहाँ पे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है, करके तो सीखो लेकिन साथ ही साथ उसका अवलोकन भी करो। तो ये अवलोकन पे भी बल देता है, मतलब इसको कह सके ये अवलोकन पे भी बल देता है। जो ये सिद्धांत के बालक, मतलब सिद्धांत के बालकों को प्रत्यक्ष हाथ से अनुभव कराता है, मानी स्वयं करके वो अनुभव लेते हैं, इसलिए ये सिद्धांत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सिद्धांत मतलब इससे जो अधिगम सक्रिय और सार्थक हो जाता है, इसमें बालक स्वयं सीखता है, स्व अध्याय अवलोकन कौशलों का विकास होता है। अतः पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि जो पर्यावरण की कक्षा जो कक्षा होती है वो गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि बालक करके सीखता है। ये सिद्धांत करके सीखने पर सबसे ज्यादा बल देता है, क्योंकि बालक जब करके सीखता है तो जो ज्ञान होता है वो अस्थाई भी हो जाता है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको? अब हम थोड़ा सा आराम आराम से बोलेंगे, क्योंकि हेडिंग के बाद समझना ज्यादा जरूरी है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है। अगला जो सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या है? रुचि का सिद्धांत। अगर हम बी पढ़े तो वो हो जाएगा रुचि का सिद्धांत। क्या होगा? रुचि का सिद्धांत। ठीक, रुचि की बात करें तो जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है कि जब आप पठन पाठन कर रहे हो, अध्ययन अध्यापन कर रहे हो, उसमें जब अधिगम कर रहे हो, उस समय बालकों के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो, रुचि पैदा करना है। जब तक रुचि पैदा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगा, तब तक पठन पाठन नहीं करेगा, तब तक पढ़ेगा नहीं। किस्से, कहानियां, कविताएं, पहेली आदि को जो पर्यावरण के अध्ययन में शामिल करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि विषय वस्तु को और रोचक बनाया जा सके, ताकि बालक और जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न हो और उसे करके सीखे और उसके अंदर रुचि का जन्म। जब तक रुचि पैदा नहीं होगी, जिज्ञासा पैदा नहीं होगा, तब तक अधिगम कार्य बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। और यह उसे जो किस्से, कहानियां, कविता, पहेलियां, ये पर्यावरण को और अधिक रोचक बनाती है, इसके विषय वस्तु को और अधिक रोचक बना देती है, जिसमें शिक्षार्थी खुशी खुशी हंसते हंसते सीखता है
और बालक उसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का भी विकास होता है। इस प्रकार रुचि का सिद्धांत पर्यावरण कक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना रुचि के अधिगम कार पूरी तरह से संभव नहीं है। अगला पढ़ेंगे प्रेरणा का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दोनों नाम से ये जाना जाता है। इसको देखेंगे पहले प्रेरणा या अभिप्रेरणा, प्रेरणा से दोनों कहते हैं, अभिप्रेरणा या प्रेरणा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अगर अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात करें तो प्रेरणा या अभिप्रेरणा किसी भी जो शिक्षण होता है उसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के पठन पाठन करना मुश्किल बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ अगर हमें कह सकते हैं, इस बात को स्वीकारा जा सकता है कि जब तक अभ्यर्थियों के अंदर, बालकों के अंदर अभिप्रेरणा नहीं जगेगी, वह आत्म अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित नहीं हो पाएगा। मतलब अभिप्रेरणा का वह सिद्धांत है जो शिक्षण को का लक्ष्य निर्धारित करता है, लक्ष्य की तरफ अग्रसित करता है। अभिप्रेरणा बालकों को आंतरिक बल प्रदान करता है, इंटरनल फोर्स प्रदान करता है, जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है। उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उसमें नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास होता है। इसलिए जो ये सिद्धांत है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आगे देखेंगे कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत अर्थात मोटिवेशनल, क्योंकि आप जानते हैं जैसे आपने होमवर्क दिया, अगर बालक नहीं करके आते, अगर आप कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा होमवर्क कर लेगा या जो ये उसे हम एक ट्रॉफी देंगे या 5 लोगों को हम ट्रॉफी बांटेंगे, तो उनके अंदर क्या होती कि जो सवाल जल्दी हल करेगा, जो प्रश्न को जल्दी बताएगा उसे हम ट्रॉफी मिलेगी। तो ट्रॉफी लालच में क्या होता है, बच्चे अच्छे से काम करते हैं या उन्हें लक्ष्य की तरफ निर्देशित करना। तो ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो उसके शिक्षण को और ज्यादा रोचक बनाता है। अगला जो है आपका वो है नियोजन का सिद्धांत। क्या है नियोजन, माने योजना बनानी चाहिए उसके बाद ही शिक्षण करना चाहिए, तो उसको भी लिख लेते हैं नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत, देखिए अगर नियोजन के सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत के अंतर्गत जैसे जो शिक्षणकार होना चाहिए उसकी पहले योजना बनानी चाहिए, योजना बनाने के बाद ही बालकों को अधिगम कराना चाहिए। अगर आप योजना बनाकर अधिगम कार्य नहीं कराते हैं तो वह अधूरा हो जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अभ्यर्थियों की क्षमता, योग्यता आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। माने इस सिद्धांत में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अगर हम ध्यान न रखें तो शायद योजना नहीं पाए। सबसे पहला इसके अंदर देखें तो कार्य का कार्य विश्लेषण हेडिंग बना के, मतलब पॉइंट बना के लिखिएगा नियोजन सिद्धांत के अंतर्गत कि कार्य विश्लेषण, माने कार्य की अगर विश्लेषण नहीं करेंगे तो कार्य क्या होगा, समय से पूरा नहीं हो पाएगा और रुचकर भी नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट इसमें बनाएंगे शिक्षण उद्देश्यों की पहचानना, क्योंकि जब तक आप शिक्षण उद्देश्य को नहीं पहचान पाएंगे तब तक आपका अधिगम कार्य अधूरा रह जाता है। अगला पॉइंट तीसरा इसमें देखेंगे तो अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना, उनके उद्देश्य क्या है, सिखाने का क्या उद्देश्य है, जब तक उसका निर्धारण नहीं होगा तब तक जो अधिगम कार्य है वो भी अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार हमने नियोजन के सिद्धांत को ही पढ़ लिया। अभी तक हम लोगों ने प्रमुख 4 सिद्धांतों को पढ़ा, रुचि का सिद्धांत, सॉरी क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा सिद्धांत, प्रेरणा सिद्धांत, नियोजन सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया। आप भी इसे नोट डाउन करते चलिए, अपने नोट्स से बनाते चलिए, लिखते चलिए, ताकि और ज्यादा आप बेहतर कर सकें। इसमें क्या आता है अगला पॉइंट आवृत्ति का सिद्धांत, कौन सा आवृत्ति, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति के सिद्धांत की बात करें तो अधिगम के अस्थाई और सार्थक बनाने में इस सिद्धांत की जो भूमिका होती है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। किसकी, आवृत्ति के सिद्धांत की। अगर आवृत्ति के सिद्धांत की हम बात करें तो विषय वस्तु को एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति हो, मतलब निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से जो बालक होते हैं उनमें अब संपर्क रहता है और उनका क्या होता है, ज्ञान बढ़ता रहता है। इसलिए पर्यावरण की कक्षा में आवृत्ति सिद्धांत का उपयोगिता बढ़ जाती है। फिर आते हैं अगला इंपॉर्टेंट है जहां से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यूपी टेट, सी टेट में भी, सुपर टेट में भी, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत।
याद रखिएगा, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी करते चलिएगा। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्ति भिन्नता के सिद्धांत की बात करें तो जो प्रत्येक बालक होता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने की जो क्षमता होती है उसका सभी का स्तर एक ऐसा नहीं होता। जैसे आपका ज्यादा है, मेरा कम हो सकता है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम हो सकता है। तो उनमें सीखने की जो क्षमता, स्तर, जन्मजात भी हो सकता है या वातावरण से प्रभावित हो सकता है, कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिस कारण उनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग हो सकती है। कोई विद्यार्थी रट कर सीख लेता है, कोई हाथ से लिख कर सीखता है, कोई लिख कर याद करता है, कोई रट कर याद कर लेता है, कोई बालक जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। तो अर्थात जो बालक होते हैं वो बहुबुद्धि होने होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये व्यक्ति भिन्नताओं के सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है? पर्यावरणीय कक्षा। मतलब हमें इस बात का भी ख्याल रखना है, शिक्षण करते समय अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रख पाते हैं कि आपको शिक्षण कार्य किस तरह से करना है, क्योंकि आपकी कक्षा में हर तरह के बालक हैं और सभी प्रकार के बालकों को आपको लेकर चलना है, तो शिक्षण काल में इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना है। और इसको आप लिखते चलिएगा, क्योंकि अगर लिखेंगे, जैसे हम अपना टॉपिक बना लीजिए, स्क्रीन शॉट भी कर लीजिए, तो क्योंकि आगे भी हमें लिखना है ताकि आपको समस्या ना होने पाए। ठीक है, अभी इसको इरेज कर दे, आगे लिखें। और एक बात और है कि ऑनलाइन क्लास तो आपने लिया है, अगर नहीं लिया तो 6306344367 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आप देखिए पेड क्लास है, और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। साथ ही साथ आप इलेनी भी दुर्गेश फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप कई जगह आप हमें मिल सकते हैं। अगला जो है इसके सिद्धांत की बात करें पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांतों में, तो आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर हम यफ के बाद जी का अध्ययन करें, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो बालक को जो अधिगम करा जाता है उससे पूर्व विषय वस्तु से संबंधित जो पूर्व का ज्ञान है, जो बालक जानता है, उससे पाठ आरंभ करना चाहिए। जैसे आपको पढ़ाना है आज भोजन, तो भोजन पढ़ाने के लिए डायरेक्ट भोजन नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे बेटा क्या खा कर आए हो, क्या बना था आपके यहाँ, कहाँ से आया है, अच्छा रोटी सब्जी खाए हो, रोटी कौन कहाँ से आया है, मम्मी बनाई थी, कहाँ से आया था, चक्की से आया था, चक्की कहाँ गया था, अच्छा पापा लेकर गए थे, पापा कहाँ से लाए थे, खेत से, खेत में लाए थे, कौन बोया था, पापा बोते, कैसे बोते हैं। तो वो पूरा बुआई अगर आपको बताना है, फसल आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, बालक के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, मानो उसे हम ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसित करते हैं। इसलिए यह शिक्षण विधि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे पाचन को भोजन से पूर्व नहीं पढ़ा जा सकता, पहले अगर आपको पाचन पढ़ाना है उसके लिए पहले आपको भोजन पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब पाचन का अधिगम तभी प्रभावी और सफल होगा जब शिक्षार्थियों को भोजन के बारे में पता हो, और भोजन के पहले ये भी पता हो कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन क्या है, भोजन कैसे मिलता है, इस बात का भी ज्ञात होना जरूरी है। इसलिए हमने ये देखा बालकों को शिक्षण के लिए ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले चलते हैं ताकि शिक्षण विधि हो पाए, और उसमें क्या करते हैं, हम बालक के पूर्व ज्ञान को भी सम्मिलित करते हैं जिसके आधार पर ही हम अधिगम कार्य और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अगला है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। किसका? लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, इसे प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। ठीक है, क्या है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत? हम देखते हैं जो पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक होती है इस प्रकार होना चाहिए जिसमें बालकों को प्रजातंत्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, उसके मूल्यों का विकास कैसे हो इस बारे में भी जानकारी दी गई हो, उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके, बालकों को समूह में रहकर कार्य करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें ताकि एक दूसरे को विचार विमर्श को समझे और उन आदि जैसी भावनाओं का भी विकास हो सके। मतलब हम कह सकते हैं जैसे अगर आपको पढ़ाना है, सभी बालक से एक साथ पूछेंगे आज बताइए क्या पढ़ाएं, तो सभी बच्चे एक सुर में बोलते हैं, कहें भैया ज्यादा लोग कह रहे हैं कि सर गणित पढ़ाइए तो गणित पढ़ाइए, सर पर्यावरण में सर कुछ लोग कह रहे हैं जल पढ़ाइए तो जल पढ़ाइए। इस तरह क्या होगा कि उनसे विचार विमर्श करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का मूल्य क्या होता है। कहें कितने लोग कहते हैं कि आज पढ़ाए नहीं, आज खेल खेलना होगा,
तो ज्यादातर बाला खाद उठाते हैं, चर्चे खेलते हैं, तो नहीं पता चलता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी की बातें मानी जाती है। तो धीरे धीरे उनको भी क्या होगा, लोकतंत्र पे क्या होगा, जानकारी मिलेगी। इतना अगर आपने लिख लिया होगा, फिर आगे लिखेंगे शिक्षण सूत्र। अगला है क्या, शिक्षण सूत्र। अगर हम नौवां लिखेंगे तो शिक्षण सूत्र, अलग से पढ़ना भी है लेकिन तब भी शिक्षण सूत्र। क्या पढ़ेंगे लोग, शिक्षण सूत्र। देखिए, अधिगम को प्रभावी और सफल बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ एक शिक्षक को शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और वो शिक्षण सूत्र में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा आता है, जैसा भी हमने देखा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसी क्रम में कई सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे शिक्षण सूत्र। लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सभी क्या पढ़ा था, पर्यावरण के प्रमुख सिद्धांत। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि वैसे जो ज्ञात से अज्ञात तरह हम लोगों ने तथ्य को पढ़ा था, तो ये क्या था, ये इसको छोड़ दीजिएगा, ये टॉपिक आप मत लिखिएगा, क्योंकि ज्ञात से ज्ञात तरफ हम शिक्षण सूत्र पढ़ लिए। शिक्षण सूत्र हम लोग क्या करते हैं, अगले वीडियो में पढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, केवल केवल पर्यावरण के शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत को ही पढ़ लेते हैं। तो एक बार आते हैं इसको रिविजन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग शिक्षण सूत्र को पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम लोग पर्यावरण के शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत की बात करें, उसमें आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखना। फिर आगे देखते हैं, दूसरा आता है रुचि का सिद्धांत। फिर तीसरा क्या आता है, अभिप्रेरणा या प्रेरणा का सिद्धांत। फिर आता है नियोजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ये ऐसे प्रमुख सिद्धांत है जिसके आधार पर पर्यावरण का शिक्षण का और बेहतर तरीके से हो पाता है। इसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद हमने आपको एनसीएफ 2005 की दो आपको नोट्स हमने उपलब्ध कराई होगी। अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको मिला होगा, अगर आपने नोट्स पर लिया होगा तो भी आपको यह मिला होगा। तो आप दोनों के आधार पर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। एक बार आप उसे पूरा तैयार कर लीजिए, एक बार उसे पढ़ लीजिएगा, फिर जितने टॉपिक हमने पढ़ाया है इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एक से दो लेक्चर में आप इसे सुन लीजिएगा। उसके बाद जब हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट और क्लास लेकर आएंगे तो वहाँ पे हम इससे और बेहतर तरीके से कर लेंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग भी अपना बेहतर देते रहिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को नोट्स भी बनाते चलेगा, क्रमिक रूप से हम पढ़ाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे शिक्षण सूत्र, और शिक्षण सूत्र में ज्ञात से ज्ञात की तरफ था, मोर से मोर की तरफ था, तो हम क्षमा चाहते हैं, हमने जल्दबाजी में मतलब पढ़ाते समय थोड़ा सा गलत हो गया। तो जो मूर्त से अमूर्त या ज्ञात से ज्ञात की तरफ था, सरल से जटिल, पूर्ण से अंश की तरफ, विशिष्ट सामान्य की तरफ, ये सभी जो शिक्षण सूत्र थे इसके बाद की वीडियो पढ़ लेंगे। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा, पर्यावरण शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत की व्याख्या किया। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस तरह तैयार करते रहेंगे तो, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पर्यावरण की कक्षा के लिए शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार ये कहूंगा, ये सीटेट की क्लासेज है, लेकिन आपको यूपी टेट के नया सिलेबस में होने की वजह से यह यूपी टेट और सीटेट दोनों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं ये चाहूंगा आप दोनों लोग इसे देखिए और पूरी तरह से तैयार करें। वीडियो में लंबा बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग को पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, इन सभी शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करेंगे, तब हम और आप दोनों मिलकर कुछ बेहतर कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।